जान दे ही रहे हो यार, बस इट्स जस्ट दैट कि वो रिस्पांस भी जब सामने से आता है सो यू फील इवन मोर मोटिवेटेड और वो आ रहा है. लाइक आई एम नॉट देयर फेवरेट स्टूडेंट इन द क्लास बट या आई मीन इट्स बोन क्रैकिंगली गुड आई वुड से बट वेरी वेरी स्ट्रेसफुल वेरी. हाय माय नेम इज निया शर्मा एंड यू वाचिंग मी ऑन टेलीविजन. हाय हाउ आर यू? आई एम गुड. नेहा, झलक में लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं आपको, किस तरह से देख रहे हैं आप इस प्यार को? एक्चुअली इट्स वेरी ओवरवेलमिंग यू नो, सो इट मोटिवेट्स यू टू डू बेटर. और मैं तो जान दे ही रही हूं यार, बस इट्स जस्ट दैट कि वो रिस्पांस भी जब सामने से आता है सो यू फील इवन मोर मोटिवेटेड और वो आ रहा है यू नो, सो आई एम लविंग इट. वेल, जजेस भी आपका आपकी परफॉर्मेंस देख के आपको बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगी आप? जजेस सबको प्यार दे रहे हैं, दे आर नॉट लाइक आई एम नॉट देयर फेवरेट स्टूडेंट इन द क्लास बट या आई मीन दे आर वेरी वार्म, दे आर वेरी वेलकमिंग बट ब्लंट भी है भाई, ऐसा नहीं है कि हाँ अच्छा 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 दैट्स नॉट. बट सबसे ज्यादा मुश्किल किसको है इम्प्रेस करना? अगर अब तो आइडिया लग ही गया होगा आपको कि इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? माधुरी मैम, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट ग्रेसफुल यू नो एज पर हर स्टैंडर्ड्स. आपकी जर्नी की अगर हम बात करें झलक की, तो बीच बीच में काफी इमोशनल मोमेंट्स भी हुए हैं, आपकी जर्नी पर भी बात की है, उस पर क्या कहेंगे आप? आई मीन या दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली हैव ओपनड अप अबाउट माय जर्नी इन लाइफ, सो वो एक्चुअली ऑन अ बिग स्टेज लाइक दिस जब आपकी जर्नी सामने आती है सो यू गेट इट. और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, अगर तैयारी की बात की जाए? इट्स बोन क्रैकिंगली गुड आई वुड से बट वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, वेरी जानलेवा. लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके दर्शकों से जो आपको हमेशा इतना प्यार देते हैं? प्लीज कीप वाचिंग दिस शो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव गॉट समथिंग लाइक दिस एंड आई एम पुटिंग ऑल माय लाइफ इनटू दिस, सो आई वांट यू टू सपोर्ट. थैंक यू निया. निया जी वेट वेट. हाय हाय. आप लोग क्या आए हो? नहीं आपके लिए आया मैम. हाय गाइस, यही थोड़ा वहां पर चले जाते हैं ना वो साइड. Yeah, this side. Done, guys. Wait. Done. Right there. Hi. Hey, guys.